तो सोशल मीडिया के कुछ सवालों की तरफ सर बढ़ते हैं। काफी चटपटे सवाल भी आए हैं हमारे पास, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास चटपटे आए हुए हैं। जैसे पर्सनल लाइफ के खुलासे भी कर रहे हैं यहाँ पे। बस सर ये हैं कुछ करीबी आपके जो हमें इन चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा ही एक चटपटा सा सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है ध्रुव सेहरा जी, और ये पूछते हैं कि सर आपकी खूबसूरती का राज क्या है। ये कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो पंगा लेते हैं आगे सोशल मीडिया पे, पर मैं बता दूं कि खूबसूरती का राज ये है कि मुंह साफ रखो, क्रीमें क्रूमें लगाओ, बस एक्चुअली में रियलिटी यही है। पर वैसे एक्सरसाइज करो और डाइट का ख्याल रखो, नेचुरल ग्लो नेचुरल ब्यूटी उसी से आने वाली है। सर एक्सरसाइज की जहाँ तक बात है, मुझे मैंने हालांकि में कई बार देखा है आपको वर्कआउट करते हुए, जिम की स्टोरीज होती हैं, एंड देन आप कई अच्छे तरह का खाना भी बनाते हो, हेल्दी फूड्स आप कुक करते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है सब करने की। इंस्पिरेशन एक्सरसाइज का तो पैशन है ही है, जब कुछ नहीं करो तब भी कसरत करो। दूसरा खाना बनाने का शौक काफी सालों से रहा है। अच्छा, पहले तो डाइट फूड तो कोई घर में बर्दाश्त करता नहीं है, तो वो अपना खुद ही बनाना पड़ता है, इस बहाने अपने आपको किचन में उतरना पड़ता है। फिर ये है कि फूड में ना एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है। अच्छा, तो एक अच्छा मुझे लगता है फिल्म मेकर जो होता है ना, वो अपनी फिल्म में बेस्ट इंग्रेडिएंट्स ढूंढता है, मतलब वही फिल्म अलग तरीके से बनाएंगे, मतलब दोबारा सोचते हैं और क्या बेटर करें और क्या अच्छा करें। सेम रेसिपी तो है नहीं कि उस ढाबे पे गए वही दाल मिलेगी 5 साल, नहीं ऐसा काम नहीं है। तो वही कुछ ना कुछ इनोवेट करो, कभी जो भी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से बनाओ, वही नेचर इन वर्क है, वही नेचर इन कुकिंग फूड है। और ऐसा नहीं कि हेल्दी अनहेल्दी फूड भी मैं बहुत बनाता हूँ, कभी कभी अच्छा रहता है। आपका फेवरेट उसके बारे में बताएं हमें। पिज्जा बना लेता हूँ और मतलब ब्रेड्स के साथ काफी चीजें एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। कभी हमें भी इनवाइट करें जल्दी, शामियाना लगाऊंगा, टेंशन मत लो। और भी हम कुछ मजेदार लेके आए हैं, वो है हमारा RFE ऑफिशियल मर्चेंडाइज, उसका लिंक जो है आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जहाँ पे भी ये वीडियो देखने के लिए आपके पास अवेलेबल होगी तो वो लिंक भी आपको साथ में मिलेगा। सबसे पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट का जितना भी कॉन्टेंट है, जितनी भी मूवीज पॉडकास्ट टॉक शोज, सारा कुछ अब आपके लिए अवेलेबल है देखने के लिए rollingframesentertainment.com पर, और ये बिल्कुल फ्री टू वॉच कंटेंट है। बहुत कुछ आने वाला है RFE की तरफ से, ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टे ट्यून्ड इन एंड देखते रहो, जो भी अपडेट्स आती रहती हैं, जो भी अनाउंसमेंट होती रहती हैं, उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, आस्क ओजस्वी।